हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज की हम लोग किस बढ़िया सी वीडियो में बात करने वाले हैं बाबा असम के सेंचुरी के बारे में। और ये सेंचुरी उन्होंने ओडीआई में नहीं बल्कि T20 में लगाई थी, और ये सेंचुरी एक अच्छी सेंचुरी थी। और दोस्तों, ये उन्होंने सेंचुरी चेस करते वक्त बनाई थी क्योंकि साउथ अफ्रीका ने 200 का टारगेट दिया था इस कारण। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बाबा असम के 50 के बारे में। तो दोस्तों, जो बाबा असम का 50 लगा था वो सिर्फ और सिर्फ 27 गेंदों में लगा था। यहाँ तक कि बाबा असम ने अपना अर्धशतक भी एक चौके के साथ पूरा करा था। और बाबा असम के इस अर्धशतक में कुल 7 चौके शामिल थे। बाबा असम ने अपने इस खतरनाक अर्धशतक में एक छक्का मारा था। और अगर बात करें स्ट्राइक रेट की, जो कि बाबा असम का 50 बनाते वक्त था, तो वो था कुल 192.5 रन का, जो कि अगर देखा जाए तो ये स्ट्राइक रेट T20 में अच्छे स्ट्राइक रेट मानी जाती है। और वैसे भी 200 से ऊपर का लक्ष्य चेस कर रहे थे, तो इस कारण ये स्ट्राइक रेट और ज़्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट मानी जाएगी। वैसे तो कुल 203-204 रन के आसपास का लक्ष्य था, तभी भी बाबा असम ने इतनी अच्छी पारी खेल ली। तो ये तो बात कर ली हमने बाबा असम के हाफ सेंचुरी के बारे में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बाबा असम के पूरे सेंचुरी के बारे में। तो दोस्तों, बाबा असम की सेंचुरी सिर्फ और सिर्फ 49 गेंदों में लगी थी। और बाबा असम की इस सेंचुरी में कुल 11 चौके शामिल थे। और बाबा असम ने इस सेंचुरी में 4 लंबे लंबे छक्के लगाए थे। और अगर बात करें बाबा असम के स्ट्राइक रेट के बारे में, तो बाबा असम का स्ट्राइक रेट था शतक बनाते वक्त 204.8 का, जो कि अगर देखा जाए तो ये स्ट्राइक रेट बाबा असम के शतक में एक अच्छी स्ट्राइक रेट मानी जाएगी। और 200 से ऊपर का लक्ष्य चेस करना था, तो 200 के ऊपर की स्ट्राइक रेट तो और अच्छी स्ट्राइक रेट मानी जाएगी। तो ये तो बात कर ली हमने बाबा असम के शतक के बारे में। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बाबा असम का शतक भी एक चौके के साथ पूरा हुआ था। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बाबा असम के पूरे टोटल स्कोर के बारे में। तो दोस्तों, बाबा असम ने कुल 122 रन बनाए थे। दोस्तों, आपने सही सुना, कुल 122 रन। और उन्होंने कुल 59 गेंदों में लगाए थे। और अगर बात करें बाबा असम ने कितनी बाउंड्रीज मारी, तो बाबा असम ने अपनी इस 122 रन के बारे में कुल 19 बाउंड्री मारी, जिस तहत बाबा असम ने कुल 15 चौके मारे। और बाबा असम ने अपनी इस पारी में कुल 4 छक्के मारे। और अगर बात करें स्ट्राइक रेट की, तो उनका स्ट्राइक रेट था 206.78 का, जो कि अगर देखा जाए तो ये स्ट्राइक रेट एक अच्छी स्ट्राइक रेट मानी जाती है T20 में। और अगर बात करें कि बाबा असम आखिरकार आउट कैसे हुए थे, तो बाबा असम लिजा विलियम्स की बॉल पे आउट हो गए थे। दोस्तों, वैसे तो ये नाम थोड़ा अजीब है। दोस्तों, ऐसा लगता है इस नाम को सुनने के बाद कि किसी छुपली का नाम हो, यानी लिजार्ड विलियम्स। कितना छुपली जैसा नाम लग रहा। और अगर बात करें विकेट कीपर की, तो विकेट कीपर थे हेनरिच क्लासिन। तो दोस्तों, ये तो बात कर ली हमने बाबा असम के टोटल स्कोर और आउट के बारे में भी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो बाबा असम ने 4 छक्के मारे थे, उन सब के डिस्टेंस के बारे में। तो दोस्तों, जो बाबा असम ने पहला छक्का चढ़ा था उसका मुझे नहीं पता। जो दूसरा छक्का चढ़ा था वो था कुल 75 मीटर का। दोस्तों, पहले छक्का भी 80 मीटर के आसपास का तो होगा ही। और जो बाबा असम ने तीसरा छक्का जड़ा था वो था कुल 80 मीटर का। और जो बाबा असम ने चौथा छक्का जड़ा था उसका मुझे नहीं पता, वो भी दोस्तों 80-85 के आसपास का तो होगा ही। तो ये तो बात कर ली हमने बाबा असम के सिस्ट्री साइंस की बात। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या बाबा असम की ये सेंचुरी
पाकिस्तान के काम आई या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि बाबा आजम और मोहम्मद इरफान की जोड़ी अच्छी जमी थी, तो पाकिस्तान ये मैच अच्छी विकेट से जीत गया, यानी पाकिस्तान ने यह मैच को 9 विकेट से जीता। और दोस्तों बाबा आजम प्लेयर ऑफ द मैच भी बन गए इस थर्ड T20 में। तो दोस्तों ये तो बात कर ली हमने कि पाकिस्तान की ये बाबा आजम का शतक काम आया कि नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हमारे बाबा आजम ने छक्के, और मैं आपको विकेट नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे वह मिली ही नहीं। तो चलिए देखते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.